लाइव न्यूज चैनल में देखेंगे आज की खास खबर। नदी से निकला शिवलिंग बना लोगों का आस्था का केंद्र। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के महाराजपुर से 10 किलोमीटर दूर मऊ खुर्द गांव के पास एक नदी, जहां से सावन के पहले सोमवार को तेज बारिश होने के कारण नदी में शिवलिंग को बहते हुए देखा गया। जैसे ही इसकी जानकारी गाँव के लोगों को मिली, गांव के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने शिवलिंग को नदी से बाहर निकालकर सिद्ध बाबा मंदिर में स्थापित कर दिया। आसपास के गांव में जैसे ही खबर लगी तो लोगों का आस्था का केंद्र बन गया मंदिर। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बहुत जल्द विधिवत तरीके से शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा और छोटा सा यज्ञ या कन्या भोज करवाया जाएगा। संवाददाता मोहम्मद इमरान के साथ कैमरामैन वरुण कुमार की रिपोर्ट। आज यहाँ पर आए हुए महाजपुर से केवल 10 किलोमीटर दूरी पर मऊपुर गांव है। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया था कि शिवलिंग जो नदी में बह रहे थे वो निकले हुए हैं। कुछ लोगों ने देखा, फिर गांव के लोगों को बताया, फिर कुछ लोग आए, जैसे कि फिर उनको यहाँ पर लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे शिवलिंग है नदी में बह रहे थे, अगले सोमवार की घटना है ये। मतलब आप पूरे शिवलिंग हैं, आप देखिएगा, बहुत कम ऐसे शिवलिंग मिलते हैं। जस्ट बगल में ही एक नदी जा रही थी, वहां पे पिछले सोमवार को बहुत तेज बारिश हुई थी, उस बारिश में बहते जा रहे थे शिवलिंग। फिर जब लोगों ने देखा, फिर यहां पर लाए, तो यहां पर एक मंदिर है, वहां पर स्थापना की गई है। अब बाकी की अपन बात करते हैं महाराज जी से, क्या कहना है इस बारे में महाराज जी का। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सिद्ध बाबा के नाम से बोलते हैं। अच्छा, कि सिद्धन वाले महाराज जी। क्या घटना, किस तारीख की घटना है ये? जे सोमवार का दिन 2 तारीख हो। हाँ, ठीक है ठीक है। तो 3 करीब लड़कियां पानी के लिए पीने के लिए आई। हाँ। तो उन्हें देखा कि ये पत्थर लुढ़क क्यों रहा है। हाँ। पानी भी नहीं था वहाँ और सूखे में वो लुढ़क रहे थे। उनने देखा, पानी पीने के लिए आई तो उन्हें देखा कि ये क्या हो रहा। वो अपने माता पिता के पास गई के मतलब ये सड़क के जा रहे। उन्हें चलो देखो कि क्या कारण है। तो वहां से जब लोग बाग दौड़े तो वे इस पार खड़े मिले एक टोड़ों पे। तो उनको मानता की करके दूध चढ़ा करके उनको मना करके यहाँ बैठा दिया है। तो अब यहाँ पर कोई यज्ञ होगा या कुछ, कैसी आगे की? अब जैसा सब लोग उसमें प्रस्ताव बनाओगे और उसका सूचित किया करोगे, प्रभाव बनाओगे, मानोगे, तो वो सबकी मनोकामनाएं पूरी ही करेंगे। ठीक। तो महाराज जी का स्पष्ट कहना है कि ये जो शिवलिंग है आस्था का केंद्र है और पूरे शिवलिंग है, तो यहाँ पे स्थापना की गई है। आगे जो कुछ भी गांव वाले कहेंगे